हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि गर्मी का मौसम आ गया है। देखिए, फुल फ्लैश गर्मी पड़ने शुरू हो गई है और अभी भी, लेकिन जो गार्डन लवर्स हैं उनका मन करता है कि नर्सरी में जाएं, कुछ लेकर आएं। और लेकिन ये जो है, ये मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है नर्सरी से कुछ लेके आने का। अभी आप जाएंगे नर्सरी में तो आप देखेंगे, अब नर्सरियों में भी रौनक कम हो गई है। उन लोगों ने भी नए पौधे मंगाने बंद कर दिए हैं और बहुत कम, जहाँ सर्दी में एकदम भरी रहती थी नर्सरियाँ, अब पौधे बिल्कुल बहुत कम हो गए हैं। लेकिन फिर भी जैसे प्लांट लवर है, नशा होता है ना, मन करता है नर्सरी से कुछ ले आए। तो मैं आज कुछ ऐसे पौधों की बात करूंगी जो हम गर्मी में भी जो है वो नर्सरी से खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो पौधा आप देख रहे हैं, इसी की बात कर लेते हैं। कनेर आप नर्सरी से खरीद सकते हैं इस टाइम, क्योंकि ये गर्मी का पौधा है और ये इस टाइम आप नर्सरी से लाएंगे तो आपके चल जाएगा। बस लाके कोई भी पौधा जो नया लाएंगे उसको धूप में डायरेक्ट नहीं रखना है, उसको 10-15 दिन जो है छाया में रिपोर्ट करके रखना है आपको। उसके बाद आप हाफ डे सन में या ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, फुल सन में नहीं रखेंगे जो नया पौधा अभी आप लाएंगे वो। एक तो आप कनेर ला सकते हैं। कनेर देखिए, मेरे पास भी कई रंगों में है, ये पिंक कलर में है। इसके अभी फ्लावर्स आज नहीं खिले हुए हैं, इसमें मजेंटा, ये देखिए स्पेन फ्लावर्स हैं, इसमें मजेंटा फ्लावर्स आते हैं। और ये जो है वो येलो कलर का कनेर है। एक ऊपर मेरे पास येलो कनेर है, ये अलग तरह का येलो है, एक बिल्कुल येलो आता है ना थिविशिया, वो है एक मेरे पास, ये ओलियंडर है। तो ये ले सकते हैं आप पौधा। और एस्पेरेगस आप ले सकते हैं, ये देखिए ये एस्पेरेगस है, ये ले सकते हैं इस टाइम आप। और वो देखिए, मेरी हैंगिंग बास्केट्स भी लगी हुई हैं एस्पेरेगस की। लेकिन फॉक्सटेल फर्न ना लें। फॉक्सटेल फर्न देखिए, ये फ़र्क है दोनों में। ये है फॉक्सटेल फर्न, ये देखिए इसकी जो पत्तियां हैं ऐसे फॉक्स की टेल जैसी हैं, और ये जो है ये है एस्पेरेगस। तो आप एस्पेरेगस ले सकते हैं, फॉक्सटेल फर्न ना लें। ये देखिए, ये गर्मी में ऐसे, देखिए गर्मी, ग्रीन नेट के नीचे भी देखिए कैसे गर्मी खा रहा है ये पौधा। तो ये आप नहीं खरीद के लाएंगे, आप एस्पेरेगस खरीद सकते हैं। और फिर आप जेड खरीद सकते हैं। आप जेड खरीद सकते हैं इस मौसम में, लेकिन जेड को भी लाके आप थोड़ा सा जो है वो हाफ डे सन में, या वही जैसे मैंने कहा 10-15 दिन तो थोड़ा शेड में रखें। शेड मतलब ऐसी जगह जहाँ खूब अच्छी ब्राइट लाइट आती हो लेकिन धूप कड़ी नहीं आती हो, क्योंकि छोटा पौधा जब आप लाते हैं उसको रिपोर्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा गर्मी मानता है इसलिए उसको। और उसके बाद आप हाफ डे सन में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ, अगर छोटा सा पौधा नया लाए हैं तो इस सीज़न उसको आप ब्राइट लाइट में ही रखें और छाया में भी नहीं रखें, नहीं तो जेड अच्छी तरह ग्रो नहीं करेगा। ये देखिए, ये जेड की जब मैं कटिंग करती हूँ ना, तो इसमें सारी एक बार कटिंग्स लगा दी हुई हैं। ये देखिए, ऐसे कटिंग लगा देती हूँ मैं, तो ये लगी हुई हैं, ये और कटिंग यहाँ रखी होंगी, वो लगाना याद ही नहीं रहा। तो ऐसे कटिंग्स इसमें मैं लगा देती हूँ एक्स्ट्रा में होती हैं जो, ये ले सकते हैं आप। फिर आप अडेनियम ले सकते हैं, अडेनियम गर्मी का पौधा है, ये ले सकते हैं। बस अडेनियम थोड़े से महंगे हो गए, और आजकल जैसे जैसे ये महंगाई बढ़ रही है, अडेनियम थोड़े ज़्यादा महंगे होने मिलने लगे हैं, स्पेशली हमारे जयपुर में। मुझे लगता है अडेनियम्स बहुत महंगे मिलने लगे हैं। ये देखिए इनकी एक देखिए, ये देखिए ये फलियाँ बननी शुरू हो गई हैं, इनमें बीज लगेंगे भले, जैसे जैसे कई फलियाँ लग रही हैं मेरे प्लांट्स पे। इधर भी देखिए एक फली, ये देखिए ये कई फलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। अगर मुझे और फ्लावर्स लेने हैं तो मैं कुछ पौधों पे से ये फलियाँ हटा भी दूंगी। वही वाला जो मैं हमेशा बोलती हूँ, बीज अगर ज़्यादा बनने लग जाएंगे, फलियाँ बनने लग जाएंगी, तो फिर नए फ्लावर्स नहीं खिलेंगे। तो इसलिए कुछ पौधों में से मैं फलियाँ हटा दूंगी और कुछ मैं आने दूंगी। चंपा का पौधा आप खरीद सकते हैं। ये देखिए, ये वाला चंपा मैंने आप लोगों के साथ मिलके बड़े पौधे का बोनसाई पॉट में, शैलो पॉट में लगाया था। ये देखिए, अब मैं सोचूं इस बार इस छोटे से में फ्लावर आए तो कितना खूबसूरत लगेगा। देखिए इसकी जो है वो रूट्स भी दिख रही हैं और अच्छा लग रहा है मेरे को। बड़ा सा पौधा था, इसको मैंने छोटा करके लगाया था।
तो ये चंपा आप खरीद सकते हैं। इवन चंपा की कटिंग भी लगाएं, गर्मियों का मौसम चंपा की कटिंग के लिए अच्छा होता है। और अगर आप कोई बहुत बड़ा पौधा है जिसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं, उसकी कटिंग इसकी अडेनियम की भी कटिंग लेके कोशिश कर सकते हैं। इस मौसम में अडेनियम की कटिंग भी लग जाएगी। वैसे अडेनियम की कटिंग फरवरी वगैरह में ज़्यादा अच्छी लगती है, ये सितंबर में जब इसकी प्रूनिंग करेंगे तब लग सकती है। लेकिन अभी भी आप इस मौसम में भी अगर आपके पास बड़ा पौधा है तो उसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। और ये अडेनियम की कटिंग्स मैंने लगाई थी, आप लोगों के सामने वीडियो भी डाला था। फिर उनकी मैं ना सर्दियों में अपने सर्दी के पौधों में लगी रहती हूँ, ज़्यादा केयर कर नहीं पाई। फिर भी ये देखिए, इनमें से ये दो कटिंग्स, इनमें बहुत अच्छी रूटिंग हुई हुई है, ये कटिंग्स लग गई हैं। और अब इसमें बस कटिंग वालों में सिर्फ एक दिक्कत है कि इसमें कॉर्डेक्स नहीं बनेगा। कॉर्डेक्स मतलब नीचे से मोटा नहीं होगा, पतले रहेंगे और फ्लावर्स आएंगे बस इसमें। और ये ले सकते हैं आप, यूफोरबिया ले सकते हैं इस मौसम में। ये ड्वार्फ वाला यूफोरबिया, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। और एक मेरे पास बड़ा वाला फ्लावर वो ऊपर वाली छत पे पड़ा है। कोई भी यूफोरबिया ले सकते हैं आप, क्योंकि यूफोरबिया धूप मांगता है, धूप का पौधा है। ये पौधा आप इस मौसम में ले सकते हैं। गुड़हल भी आप ले सकते हैं इस मौसम में, लेकिन मतलब गर्मी ज़्यादा है ना, तो उसको आपको ब्राइट लाइट में ही रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ढंग से रखना पड़ेगा। जैसे आप गमले में लगा हुआ लेते हैं या किसी थैली में लगा हुआ लेते हैं तो उसका रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं करने, बस थैली को जो है वो बस सिर्फ ब्लेड से थैली को काट दें और एज सच गमले में रख के चारों तरफ मिट्टी डाल दें और उसको रिपोर्ट कर दें। उसके रूट बॉल को ज़्यादा छेड़े नहीं, तो अरे ये आप गुड़हल इस मौसम में ले सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी में ही फूल खिलने वाला पौधा है, तो ये अच्छा रहेगा। और ये देखिए, मैंने बरगद का मेरा जो बड़ा वाला प्लांट था उसको काट दिया है, इसको छोटा कर दिया है। एज सच मैं ऐसा प्रॉपर इसको बोनसाई नहीं बनाऊंगी, पर फिर भी बस छोटे में नेचुरल ग्रो करेगा। ये भी अभी मैं इसकी काटूंगी, देखती हूँ। मुझे ऐसे कोई बोनसाई का ऐसा ट्रेनिंग नहीं है, बस हाँ जैसे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और बोनसाई मुझे बहुत पसंद भी नहीं है। अच्छे खासे बढ़ते हुए प्लांट की आप ग्रोथ को रोक दें और फिर सालों उसका इंतज़ार करते रहें बेचारे को शेप वेप देके, तो ये अपनी पर्सनल पसंद होती है ना, वो वाली बात है। फरकेरिया ले सकते हैं आप इस मौसम में। फरकेरिया को तो जितना कम पानी देंगे, जितना धूप वूप में रहेगा उतना ही अच्छा रहता है। इसको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है फरकेरिया को, ये आप ले सकते हैं। और आप जो है वो फाइकस ले सकते हैं, ये आप फाइकस ले सकते हैं। ये भी मेरा एक बड़ा फाइकस मैंने यहाँ इसमें लगाया हुआ है शैलो पॉट में, तो थोड़ा सा ऐसे लुक देने के लिए इसको ब्रांचेस को और करके इसको थोड़ा सा नेचुरल, वही जैसे मैंने कहा कि मुझे ऐसा कोई बहुत वो नहीं है ट्रेनिंग, पर हाँ ये देखिए ये वाला फाइकस, तो आप फाइकस ले सकते हैं इस मौसम में। फाइकस क्या है, इस मौसम में गर्मी धूप में रखें तो धूप बर्दाश्त नहीं करेगा, ग्रीन नेट के नीचे ही चलते हैं मेरे फाइकस इस मौसम में। लेकिन हाँ फिर भी ये बहुत डेलिकेट प्लांट नहीं है, इसलिए इसको आप ले सकते हैं। और छाया में मतलब इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट, छाया मतलब बहुत सारी छाया नहीं, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट या ग्रीन नेट के नीचे कहीं रख सकते हैं। और पानी का अच्छा सा ध्यान रखें, पौधों को रोज पानी जरूर देना है, तो आप ये पौधे नर्सरी से ले सकते हैं। ये अगेव भी ले सकते हैं, ये तो एकदम जिसको कहते हैं ना थोड़ा जंगली टाइप का पौधा है अगेव। तो देखिए इसमें भी नीचे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। अगेव तो मैं आपको कहती हूँ, अगर आप ना ये खरीदने के बजाय ना अगेव तो कहीं आपको किसी के यहाँ लगा हो, उसके नीचे बहुत से बेबी प्लांट्स हो, तो आप उनसे ले लें, किसी से तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये बिल्कुल जंगली प्लांट है, तो ये आप ले सकते हैं अगर लेना चाहें नर्सरी से। तो ये भी बस रखना आपको वही ग्रीन नेट के नीचे है या उसमें है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बस ये कुछ प्लांट्स हैं जिनको आप गर्मियों में ले सकते हैं, बाकी आप अवॉइड ही करें नर्सरी से पौधों को ज़्यादा लेना, क्योंकि ये मौसम जो है प्लांट्स के ग्रोथ का मौसम होता है ये, लेकिन उतनी ही गर्मी और ड्राइनेस होती है एटमॉस्फेयर में। तो थोड़ा सा आप रुक जाएं, जुलाई से आप फिर जितने मर्जी पौधे खरीद सकते हैं। स्पेशली जो न्यू गार्डनर्स हैं जिन्होंने गार्डनिंग करनी अभी शुरू करी है, तो वो बचें कि आप गर्मी में कोई पौधे ऐसे
लें और अपने जो पौधे हैं उन्हें ग्रीन नेट दें, छाया दें, उन्हें नहलाया करें, मिस्टिंग करें दिन में एक दो बार। एक बार तो मिस्टिंग करनी चाहिए और पानी रोज दें। हाँ, किसी गमले में बहुत ज़्यादा पानी है तो ओवर वाटरिंग उसकी नहीं करें, फिर उसको सिर्फ नहलाएं और वैसे आप पानी अपने पौधों को रोज दें इस मौसम में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।